नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का हमारे YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर में स्वागत है। ऑडियो लेक्चर की सीरीज का यह अगला आर्टिकल, जिसका टॉपिक है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। यह योजना क्यों विवादों में फंसी हुई है, आखिर इससे संबंधित विवाद क्या है, इसके अपवर्तन जनात्मक प्रकृति के कारण क्या, यानी इसकी जो छवि है वह खराब क्यों है, यह योजना सभी तक क्यों नहीं पहुँच पा रही है, आखिर यह योजना क्या है, इसके बारे में इस आर्टिकल में एक विस्तृत जानकारी दी जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट। आखिर चर्चाओं में क्यों है भारतीय मातृत्व लाभ कार्यक्रम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसको PMMVY भी कहा जाता है, की आलोचना की गई है। इसको मतलब इस योजना के से संबंधित बंटवारे, यानी इसको लागू करने के संबंधित में आलोचनाएँ की गई हैं। इस आलोचना की प्रकृति के कारण क्या है बताते हैं। इस योजना का लाभ किसी महिला को केवल पहले बच्चे के जन्म के आधार पर मिलता है। इस योजना में पंजीकरण के लिए आवेदक महिला को अपने पति का आधार संबंधित विवरण प्रदान करना होता है, जिससे एकल महिलाएं, अविवाहित महिलाएं, अभिपत्य महिलाएं और विधवा महिलाएं इस योजना का लाभ उठाने से क्या है वंचित रह जाती हैं। इस योजना में आवेदन करने की न्यूनतम आयु 19 वर्ष है, अतः 18 वर्ष से कम आयु की नव विवाहित इस योजना का लाभ उठाने से वंचित रह जाती हैं। पहले शिशु को जन्म देने वाली लगभग 30-35% महिलाएं 18 वर्ष से कम आयु की हैं। नवजात के माता पिता से अलग अलग यह प्रमाण लिया जाता है कि वह उस महिला और उसके पति से पहला जीवित बच्चा है। लाभार्थी महिला को अपने वैवाहिक घर का पता संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना पड़ता है, अतः यह नवविवाहित महिलाओं के लिए चुनौतीपूर्ण रहता है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान सामान्य उन्हें घर में रहने तथा आराम करने की आवश्यकता होती है। दस्तावेज को प्रस्तुत करने की जटिल प्रक्रिया के कारण हाशिए पर रहने वाली महिलाएं, जैसे यौन कर्मी, हिरासत में रहने वाली महिलाएं, प्रवासी और संघर्ष के बाद की स्थितियों में रहने वाली महिलाएं इस योजना का लाभ लेने में समर्थ नहीं है या लाभ नहीं ले पाती हैं। एक महिला कार्यकर्ता के अनुसार महिलाओं को आवेदन प्रक्रिया के दौरान भारी रिश्वत भी देनी पड़ती है। अब जानते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है क्या। इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2017 को देश भर में गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के कल्याण हेतु की गई थी। यह केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को सीधे उनके बैंक खाते में नगद लाभ प्रदान किया जाता है, ताकि बढ़ी हुई पोषण संबंधित जरूरतों को पूरा किया जा सके और वेतन हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति भी की जा सके। लक्षित लाभार्थी सभी गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं, जिन्हें केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित रूप से रोजगार पर रखा गया है, या जो किसी भी कानून के तहत समान लाभ प्राप्त कर सकती हैं। PMMVY के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को 3 किस्तों में 5,000 रुपये दिए जाते हैं और शेष 1,000 रुपये की राशि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत मातृत्व लाभ की शर्तों के अनुरूप संस्थागत प्रस्तुति कराने के बाद दी जाती है। इस प्रकार एक औसतन महिला को 6,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। इस योजना में बच्चों की संख्या का प्रावधान समाप्त कर सभी महिलाएँ, चाहे वे अनौपचारिक हों या औपचारिक हों, वेतन आवेदन कार्य में संलग्न हो को शामिल किया जाना चाहिए। धन्यवाद। आर्टिकल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना कीमती सुझाव दीजिएगा।